नमस्ते, मैं हिना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 2020। इस हिंदू मंदिर में मुसलमान भी टेकते हैं मत्था। जानिए इससे जुड़ी अजीबोगरीब रहस्य। भारत की पहचान सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता के तौर पर होती है। फिर चाहे बात आप यहाँ की विविधता की कीजिए या फिर इससे सांस्कृतिक इतिहास है कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरातन है, जिसका दायरा हिमालय के बर्फ से लेकर दक्षिण के श्रीलंका तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेला तक फैला है। इतना ही नहीं, भारत में कई ऐसे मंदिर भी हैं जो पूरे विश्व में मशहूर। इन मंदिरों में रोजाना लाखों मात्रा में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने जाते हैं। हालांकि मंदिरों में केवल हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू ही नहीं मुसलमान भी पूजा अर्चना करने जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चले इस मंदिर में मुस्लिम लोग भी मत्था टेकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित इस पवित्र मंदिर ने हिंगलाज माता की पूजा की। बात अगर हम इसके इतिहास की करें तो यह कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती की लाश अपने गोद में लिए थे, उस समय विष्णु भगवान ने सती माता का सिर काटने के लिए चक्र फेंका था। उस चक्र ने सीधे जाकर सती माता का सिर काट दिया था। कटने के बाद सिर सीधे आकर पृथ्वी पर गिरा था। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर माता का सिर इसी जगह पर गिरा था। बाद में इसे हिंगलाज माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के से 120 किलोमीटर की दूरी पर हिंगलू नदी के तट पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में यह जगह का नाम भी आता है। पाकिस्तान बंटवारा से पहले भारत की पश्चिम सीमा अफगानिस्तान और ईरान तक थी। इस समय हिंगलाज माता हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान हुआ करता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान के मुस्लिम भी हिंगलाज देवी की पूजा करते थे। मुस्लिम समुदाय के लोग हिंगलाज माता को नानी कहकर लाल दुपट्टा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फुलूल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंदुओं के लिए शक्तिपीठ होने के साथ साथ यह स्थान मुस्लिमों के लिए नानी पीर का स्थान है। स्वामीनारायण मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर के बंदर रोड पर स्थित है। यह मंदिर करीब 32,306 स्क्वायर यार्ड में बना। यह मंदिर लगभग 160 साल पुराना है। जितनी आस्था के साथ इस मंदिर में हिंदू मत्था टेकते हैं, उतनी ही आस्था के साथ यहाँ मुस्लिम भी मत्था टेकते हैं। यह नहीं, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस दौरान इस हिंदू मंदिर का उपयोग रिफ्यूज कैंप के रूप में किया गया था। इस मंदिर के परिसर में एक गुरु नानक गुरुद्वार भी मौजूद है। वहीं ये मंदिर गंगा जमुना तहजीब की तहत प्रेम का संदेश देती है। वहीं कराची स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि यह मंदिर तकरीबन 2000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित एक हनुमान जी की मूर्ति को त्रेता युग से भी 17 लाख साल पुराना माना जाता है। इसका पुनः निर्माण साल 1082 में कराया गया था। भारत के लोगों की राम जी में गहरी आस्था के कारण यह अनेकों राम मंदिर है, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ राम मंदिर स्थित है, जिनमें सबसे विशेष इस्लाम कोट का राम मंदिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो न्यूज इंडिया 2020 से बने रहें।